नमस्कार, मैं हूं अनुष्का। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बिहार में सप्ताह भर के अंदर बालू खनन होगा शुरू। बिहार में हर सामुदायिक शौचालयों की होगी रैंकिंग। अब बिहार और यूपी के नदी के रास्ते कर सकेंगे नेपाल का सफर। कन्हैया कुमार ने तेजस्वी और चिराग के साथ आने पर दिया बयान। आज पटना के खादी मॉल में दी गई है विशेष छूट। तो आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। अगले एक सप्ताह में बीपीएससी 65वीं के रिजल्ट आने की बड़ी संभावना। बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से बीपीएससी 65वीं सिविल सेवा का रिजल्ट एक सप्ताह के अंदर जारी किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार कुछ छात्रों का मेडिकल रिपोर्ट पीएमसीएच से आना बाकी है। रिपोर्ट के आते ही रिजल्ट की घोषणा कर दी जाएगी, जिसके बाद अब यही उम्मीद जताई जा रही है कि दुर्गा पूजा के पहले 5 या 6 अक्टूबर तक रिजल्ट को जारी कर दिया जाएगा। आयोग की तरफ से 2 महीने पहले 5 या 7 अक्टूबर तक रिजल्ट की घोषणा की जा सकती है, जिसके तहत अब छात्र रिजल्ट से जुड़ी सारी जानकारी www.bpsc.bih.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। बिहार में हर सामुदायिक शौचालय की होगी रैंकिंग। बिहार को स्वच्छ रखने के लिए सामुदायिक शौचालय बनाया गया था, जिसके बाद अब बिहार के किस पंचायत में सामुदायिक शौचालय का बेहतर प्रयोग हो रहा है और किसका रखरखाव कैसा है, इसको लेकर रैंकिंग जल्द ही तैयार की जानी है। इसको लेकर ग्रामीण विकास विभाग ने नियमित रैंकिंग जारी करने का आदेश जारी किया है, जिसके बाद अब शौचालयों पर कब्जा तो नहीं किया गया, ग्रामीण उसका उपयोग कर रहे हैं या फिर नहीं, इसकी भी निगरानी अब ऐप के माध्यम से की जाएगी। इसके साथ ही संबंधित प्रखंड समन्वयक द्वारा सर्वेक्षण के लक्ष्य को पूरा नहीं करने पर उसका वेतन काट दिया जाएगा। अगर बिहार सरकार इस पहल में सफल होती है तो राज्य में करीब 32,000 गाँव खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं ही, और भी गाँव इस श्रेणी में आ जाएंगे। कक्षा 9 में रजिस्ट्रेशन के लिए अब 15 अक्टूबर तक मिलेगा मौका। मैट्रिक परीक्षा 2023 में शामिल होने वाले सभी छात्रों के लिए अहम सूचना। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने हाल ही में अपने पूर्व में जारी किए गए आदेश में संशोधन करते हुए मैट्रिक परीक्षा 2023 के लिए 9वीं कक्षा में पढ़ रहे विद्यार्थियों के रजिस्ट्रेशन की अवधि को बढ़ा दिया है, जिसके तहत अभ्यर्थी अब 15 अक्टूबर तक अपना रजिस्ट्रेशन आसानी से करवा सकते हैं। पहले आखिरी तारीख 30 सितंबर तक ही जारी की गई थी। वर्तमान में कक्षा 9 में पढ़ रहे छात्र स्कूल के माध्यम से बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जिसके बाद अब राजकीय माध्यमिक स्तर के शिक्षण संस्थानों के प्रधान अपने संस्थान के 9वीं कक्षा के छात्रों का रजिस्ट्रेशन वेबसाइट secondary.biharboardonline.com पर जाकर कर सकते हैं। अब बिहार और यूपी के नदी के रास्ते कर सकेंगे नेपाल का सफर। अब बिहार और यूपी के नदी के रास्ते नेपाल का सफर करना आसान होने वाला है, क्योंकि जल्द ही इसको लेकर 25 बंदरगाह बनाने की तैयारी शुरू होने वाली है। सुविधाओं का विकास होने पर नदियों के रास्ते व्यापार और यातायात को बढ़ावा मिलेगा। योजना के शुरुआती चरण में पटना के दीघा, नासरीगंज, कच्ची दरगाह, बख्तियारपुर समेत अन्य जगहों पर स्थान को चिन्हित कर लिया गया है। इन बंदरगाहों से छोटी बड़ी नावें सब्जी, दूध, पशुचारा व अन्य सामग्री की ढुलाई कर सकेंगी। इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तथा क्षेत्र का विकास होगा। इस उद्देश्य से राज्य परिवहन विभाग, वित्त विभाग व अन्य संबंधित विभाग के पदाधिकारियों की बीते दिन गायघाट स्थित राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान में अहम बैठक हुई। IBPS ने ऑफिसर के पदों के लिए भर्ती के लिए मांगे आवेदन। बिहार के युवाओं के लिए नौकरी से जुड़ी बड़ी खबर है। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी कि IBPS ने कई पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। इसके तहत असिस्टेंट प्रोफेसर, फैकल्टी रिसर्च एसोसिएट, रिसर्च एसोसिएट, हिंदी ऑफिसर, IT इंजीनियर्स, डाटा सेंटर, IT डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और टेस्टर फ्रंट एंड बैंक एड के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन करने के लिए अंतिम तारीख 14 सितंबर है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाकर अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बताते चले कि सभी पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता अलग अलग है। विस्तृत जानकारी के लिए उम्मीदवार IBPS के नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं। ऑनलाइन परीक्षा अक्टूबर या नवंबर में ही आयोजित की जा सकती है। अवैध कमाई करने वाले अधिकारियों पर EOU की कार्रवाई ने रचा इतिहास। बिहार के आर्थिक अपराध इकाई यानी कि EOU की टीम ने हाल के दिनों में अवैध कमाई करने वाले अधिकारियों पर जमकर गाज गिराई है। बालू खनन में संलिप्तता दिखाने वाले 4 DSP व 2 SP हाल ही में सस्पेंड हुए हैं, तो वहीं कई अधिकारी अब भी जांच के दायरे में हैं। इससे जुड़ी विस्तृत जानकारी बिहार पुलिस मुख्यालय की तरफ से जारी की गई है, जिसमें EOU के द्वारा आरोपी अधिकारियों पर अब तक की गई कार्रवाई के सारे डिटेल्स दिए गए हैं। इसके मुताबिक बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र कुमार, जो कि बिहार पुलिस में सिपाही भी हैं, उसकी छापेमारी में 9,45,00,000 के करीब रुपए की अवैध संपत्ति का पता चला। तो वहीं भोजपुर के तत्कालीन SP राकेश दुबे, पालीगंज के तत्कालीन SDPO तनवीर आलम समेत डेहरी के अधिकारी के पास से आय से अधिक संपत्ति को दर्ज किया गया।
पटना हाईकोर्ट ने छपरा के डीएम और निगम कमिश्नर को जारी की नोटिस। पटना हाईकोर्ट ने बीते दिन एक याचिका पर सुनवाई करते हुए छपरा के डीएम और छपरा नगर निगम के कमिश्नर को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है। दरअसल यह मामला दुकानों को खाली कराने के आदेश को रद्द करने के मामले में है। दरअसल निगम क्षेत्र में ड्रेनेज के ऊपर 1997 में ही दुकानों का निर्माण किया गया था, लेकिन साल 2011 के बाद 2017 में नगर पालिका के द्वारा दूसरी बार ड्रेनेज पर किए अवैध अतिक्रमण को हटाने का समाचार प्रकाशित करवाया गया। इसे लेकर ही याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट का रुख किया था, जो कि अभी तक लंबित है। मगर एक बार फिर से निगम आयुक्त के हस्ताक्षर से अगस्त 2021 में एक सप्ताह के अंदर दुकान खाली कराने को लेकर कहा गया, जिस कारण से इस मामले में कोर्ट ने अधिकारियों से जवाब मांगा है। कांग्रेस में आने के बाद कन्हैया ने तेजस्वी और चिराग के साथ आने पर दिया बयान। हाल ही में कांग्रेस को ज्वाइन करने वाले जेएनयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और चिराग पासवान के साथ आने को लेकर बड़ा बयान दिया है, जिससे एक बार फिर से बिहार में सियासी चर्चाएं तेज होने लगी है। बीते दिन शुक्रवार को मीडिया से बात करते हुए कन्हैया ने एक सवाल के जवाब में कहा कि अगर जनता चाहेगी तो तीनों एक साथ दिख सकते हैं। दरअसल मीडिया ने पूछा था कि बिहार में तेजस्वी यादव, चिराग पासवान और कन्हैया क्या एक साथ होंगे। इस सवाल के ही जवाब में कन्हैया ने कहा कि हम एकता की बात करते हैं, समीकरण क्या बन रहा है यह तो जनता की इच्छा पर निर्भर करता है। उन्होंने कहा कि अगर जनता चाहती है कि बिहार के नौजवान एक साथ आकर काम करें तो स्वाभाविक रूप से उसका सम्मान करेंगे। राज्य के 30,000 माध्यमिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिलने में होगी देरी। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के कारण करीब 30,000 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन प्रक्रिया की रफ्तार धीमी पड़ गई है। अब इन शिक्षकों की नियुक्ति पत्र जनवरी में दिए जाने की संभावना बन रही है, क्योंकि शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि 29 नवम्बर को जिला परिषद के लिए मेधा सूची में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों का मिलान होगा, जिसके आधार पर तैयार अंतिम मेधा सूची का जिला परिषद शहरी निकाय के द्वारा अनुमोदन 2 दिसंबर तक होगा। फिर अंतिम मेधा सूची को 6 दिसंबर तक जारी किया जाएगा। इसके बाद NIC पोर्टल पर प्रकाशन के बाद ही जिला स्तर पर नियोजन इकाई द्वारा काउंसलिंग के माध्यम से नियुक्ति पत्र वितरण की तिथि तय हो पाएगी। इस कारण यह जनवरी में जारी हो सकती है। बिहार में सप्ताह भर के अंदर बालू खनन होगा शुरू। NGT की रोक हट जाने के बाद अब बालू खनन का काम शुरू किया जाना है। इस दौरान बिहार में बालू की कोई किल्लत नहीं होगी। बीते दिन खनन एवं भूतत्व मंत्री जनक राम ने कहा कि अभी बिहार में बालू का खनन नहीं हो रहा है, से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। कुछ लोगों ने भागलपुर और बांका में बालू डंप कर रखा है, उसी बालू की अभी सप्लाई हो रही है, लेकिन इसके बदले वे मनमाना दाम वसूल रहे हैं। हालांकि खनन मंत्री जनक राम के आश्वासन के बाद लोगों को भरोसा है कि जल्द बालू की किल्लत दूर हो जाएगी और सप्ताह भर के अंदर खनन का काम भी शुरू हो जाने वाला है। अगले साल तक पूरा होगा गंगा उद्भव योजना के पहले फेज का काम। बिहार में गंगा जल को राजगीर गया तक ले जाने के लिए गंगा उद्भव योजना पर काम तेजी से चल रहा है और यह काम अगले साल 2022 तक पूरा हो जाएगा। इसे बताते हुए बीते दिन जदयू के जनसुनवाई कार्यक्रम में पहुंचे जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा कि गंगा उद्भव योजना का काम अपने स्पीड से चल रहा है। कोरोना के कारण कुछ असर पड़ा है, इसका कार्य 4 महीने पहले ही पूरा हो जाता, अब पहले फेज का काम 2022 में पूरा होगा। गंगा उद्भव योजना मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट योजना है। संजय झा का दावा है कि इस पर काम तेजी से चल रहा है और अगले साल इस पर ट्रायल भी शुरू हो जाएगा। बताते चले कि साल 2020 से ही इस योजना पर काम शुरू है और 3 फेज में इस योजना पर काम होना है। आज पटना के खादी मॉल में दी गई है विशेष छूट। आज गांधी जयंती के अवसर पर कई तरह के स्पेशल ऑफर खादी से बने सामानों पर दिए जा रहे हैं। इसे लेकर आज राजधानी पटना में भी खादी के वस्त्रों पर विशेष छूट रखी गई है। पटना के खादी मॉल में तो कपड़ों पर 30% की छूट रखी गई है। खादी मॉल के मैनेजर ने बताया कि बापू की जयंती पर हर साल की तरह इस साल भी खादी के नए डिजाइनर कपड़े का कलेक्शन मंगवाया गया है। इस दौरान खादी के वस्त्रों पर छूट दिए जाने की घोषणा पहले ही की गई, जिसकी जानकारी के मुताबिक इस बार भी खादी वस्त्र पर 30% की छूट रखी गई है। ये ऑफर 15 नवंबर तक लागू रहेंगे। फिलहाल खादी मॉल में पर्व त्योहार को लेकर सभी उम्र के लोगों के परिधान की व्यवस्था कर ली गई है। बिहार विधानसभा में बनाया जाएगा अशोक स्तंभ। बिहार विधानसभा के शताब्दी वर्ष को लेकर होने वाले कार्यक्रम के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। इस कार्यक्रम में 21 अक्टूबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी शामिल होने वाले हैं। ऐसे में इसे ऐतिहासिक बनाने के लिए मुख्यमंत्री से लेकर विभागीय मंत्री अधिकारी सभी जुटे हुए हैं। इस बाबत भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने बताया कि समारोह को यादगार बनाने के लिए विधानसभा परिसर में अशोक स्तंभ के निर्माण करने का फैसला लिया गया है। हालांकि अशोक स्तंभ में क्या क्या होगा इस पर फैसला होना अभी बाकी है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्तर पर अंतिम रूप से बैठक होगी, तब उस पर मुहर लगेगी।
सुनील शेट्टी इनविजिबल वुमन वेब सीरीज से करेंगे ओटीटी डेब्यू। बॉलीवुड अभिनेता सुनील शेट्टी भी अब वेब सीरीज की दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं। सुनील इनविजिबल वुमन नाम की वेब सीरीज से अपना डेब्यू ओटीटी प्लेटफॉर्म पर करने जा रहे हैं। इस सीरीज का निर्देशन राजेश एम सेल्वा कर रहे हैं। यह एक एक्शन थ्रिलर वेब सीरीज है। अपने ओटीटी डेब्यू को लेकर उत्साहित सुनील शेट्टी ने कहा कि आजकल जो वेब सीरीज आ रही हैं उनकी कहानियां पहले से मौजूद सैकड़ों कहानियों से अलग होती हैं। इनविजिबल वुमन वेब सीरीज की कहानी ने उन्हें फौरन आकर्षित किया, जिसके बाद इस अनोखे वेब डेब्यू को लेकर वे काफी रोमांचित हुए। बताया चले कि इसकी शूटिंग शुरू हो चुकी है। स्मृति मंदाना ने ऑस्ट्रेलिया में शतक लगाने के खोले राज। भारतीय महिला टीम इस समय ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एकमात्र पिंक टेस्ट मैच खेल रही है। इस मुकाबले में ओपनर स्मृति मंदाना ने शतक जड़ा और कहा कि वे पिछले 3 महीने से अपने किट बैग में पिंक बॉल लेकर घूम रही थी। इस बात का खुलासा खुद उन्होंने किया और कहा कि वे इसे समझने की कोशिश कर रही थी, जब यह विचार उनके दिमाग में आया कि टीम गुलाबी गेंद से सिर्फ 2 दिन की प्रैक्टिस के मैदान पहला डे नाइट टेस्ट खेलेगी, तो उनके लिए इससे अच्छा कुछ नहीं था कि वे पिंक बॉल साथ में लेकर चले, ताकि वे गेंद को सिर्फ देख सके और उसे अच्छी तरह समझ सके। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार आपके आसपास प्रशासन की तरफ से साफ सफाई को लेकर बेहतर व्यवस्था रहती है या फिर नहीं। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार से जुड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहें बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।